सिकंदर में सलमान खान नेगेटिव और एरोगेंट रोल करने वाले हैं। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान अपने करियर के तीन बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। इन तीनों स्टार्स से जुड़े बड़े अपडेट आए हैं। सलमान एआर मुर्गदास के साथ अपनी कमबैक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसका टाइटल सिकंदर है। पिंक विला के एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून को एक हवाई एक्शन सीक्वेंस के साथ सलमान सिकंदर की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यहां सलमान अपनी टिपिकल गुड बॉय वाली छवि में नजर नहीं आएंगे, बल्कि उनका किरदार गुस्सैल बिगडोल किस्म का आदमी होगा। रिपोर्ट में उनके किरदार को लेकर बताया गया है, ये एक ऐसा हीरोइक किरदार है जो अपनी एरोगेंस को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। वो सही मायने में एक सिकंदर है, राजाओं के परिवार से आता है और उसके बर्ताव में गुस्से और एरोगेंस की झलक है। सलमान ने आखिरी बार इस किस्म की बैड बॉय इमेज सुल्तान के एक्सप्लोर की थी और अब सिकंदर में उनका वो अवतार देखने को मिलेगा जो ऑडियंस को बहुत पसंद है। सिकंदर में सलमान खान को स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने का मौका मिलेगा। बाकी शाहरुख की बात करें तो वो किंग की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। वो सुहाना के थिएट्रिकल डेब्यू को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, रिपोर्ट में बताया गया है। किंग एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और शाहरुख बेहतरीन एक्शन सीन्स में नजर आएंगे। शाहरुख इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि ये सुहाना एक लॉन्च के लिए बिल्कुल सही फिल्म हो। टीम की पूरी कोशिश है कि अगस्त के अंत में किंग की शूटिंग शुरू कर दी जाए। किंग को पहले सुहाना की फिल्म के तौर पर बनाया जा रहा है। शाहरुख सिर्फ एक्सीडेंट कैमियो करने वाले थे, बाद में कहानी में बदलाव किए गए हैं। अब शाहरुख केंद्र में है और सुहाना पैरेलल लीड रोल में नजर आएंगे। शाहरुख और सलमान के बाद आमिर की बारी। फिलहाल वो सितारे जमीन पर की शूटिंग में व्यस्त है, उसके बाद वो दो कॉमेडी फिल्में कर सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। आमिर खान फिर से कॉमिक स्पेस में जाने के लिए इच्छुक है। वो दो स्क्रिप्ट्स पर विचार भी कर रहे हैं, जहां ह्यूमर ही बहुत गुंजाइश है। पहली राजकुमार संतोषी का एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है। राजकुमार आमिर के लिए लाहौर 1947 भी बना रहे हैं। दूसरी जो अख्तर की एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर ईद 2025 पर रिलीज होगी। बाकी शाहरुख की किंग और आमिर की सितारे जमीन पर की रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। मुमकिन है कि ये दोनों फिल्में 2025 में ही सिनेमाघरों में उतरेगी।